जा घर चल रहा तो बड़े ये दो बेटा लाश को जिंदा करवा भागलपुर में जारी आदर्श आचार संहिता के बीच दुस्साहसी अपराधियों का हौसला सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर में एएनएम स्कूल के समीप अपराधियों ने दिनदहाड़े नवादा निवासी उचित मंडल के पुत्र अनिल मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान इस घटना को अंजाम देने के पश्चात भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने हथियार के साथ दबोच लिया। फिर क्या था, हत्या की घटना से आक्रोशित लोगों ने उक्त अपराधी को बिजली के एक खंभे में बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं दूसरी ओर से पूरे मामले की भनक लगते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद अपराधी को भीड़भाड़ के चंगुल से छुड़ाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में भेज दिया गया। जबकि इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस की सुस्ती कार्यशैली से भी लोग काफी आक्रोशित है। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कर्म कभी कर ले बोलिए कितने दिन से काम कर रहे थे? क्या कौन सा काटा? मोटिया का, मुंशी का, गोदाम का। किसी से दुश्मनी भी था? किसी से दुश्मनी नहीं, सीधा साधा पर सीधा साधा इंसान। आटा का पूजा अपने लोग आटा का फोन करवे किया था, फोन करवे किए था कि आइए गोदाम बोला आ रहे थे रास्ते में। अपने में आटा का, अपने में काम नहीं करता था। आपका परिचय, आपका नाम? उसका चचेरा बा राहुल कुमार। वार्ड का नंबर? 14। करेबल आदमी रही अब से आए गोदाम में काम करे ला। हां कुछ कही के निकल लो की बोला था पापा कि बर्थडे सामान बर्थडे बर्थडे किसका था? बोलो आज किसका बर्थडे था? आयुष का बर्थडे था, आयुष का सामान लाने के लिए गया था। अच्छा।